नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात पाकिस्तान को आईना दिखाई जाने की। जी हां, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह सार्क के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद में थे, वापस लौट चुके हैं। उनके सफर में उन्हें कई कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा जो दोनों मुल्कों के लिए के भविष्य के लिए चिंता की लकीरें खींचता है। 3 अगस्त को जिस वक्त गृह मंत्री इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतर रहे थे, उसी वक्त हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन उसी शहर में अपने गुर्गों के साथ प्रदर्शन कर रहा था, भारत के विरोध में, कश्मीर के की आजादी के समर्थन में, और राजनाथ सिंह जी के बारे में बदजुबानी कर रहा था। ये हमने आपको कल दिखाया था और ये सिलसिला यहीं पर थमा नहीं, ये आज भी चलता रहा। हाफिज सईद समेत कई और आतंकवादियों ने आज प्रदर्शन किए राजनाथ सिंह के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ और कश्मीर की आजादी के हक में। राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद में अपना कार्यक्रम छोटा किया और वो जल्द दिल्ली लौट आए। ये पाकिस्तान की मेहमान नवाजी थी, ऐसी मेहमान नवाजी जिसमें भारत के दुश्मन सरेआम नारेबाजी और बदजुबानी अपने मेहमान के खिलाफ कर रहे थे। ये पाकिस्तान का तरीका है, पाकिस्तान का के हुक्मरानों का तरीका है कि जो घर में मेहमान आए हैं उनकी कैसे तौहीन की जाए। ऊपर से तुर्रा ये कि पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे की कस्में खा रहा है और ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सार्क गृह मंत्रियों के सम्मेलन में ओपनिंग स्पीच जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वह आतंकवाद के खात्मे में दुनिया की मदद कर रहा है। इतना बड़ा झूठ, एक तरफ सलाउद्दीन और हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे मोस्ट वांटेड लोगों को संरक्षण दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब, अपनी शराफत का मुजाहिरा कर रहे हैं, और ऊपर से तुर्रा ये और कहते हैं कि हम आतंकवाद के खात्मे में मदद कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस्लामाबाद की जमीन से पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने आज बेनकाब किया है, लेकिन पहले सुनते हैं शरीफ का सबसे बड़ा झूठ। पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू जॉइंटली वर्किंग विद द सार्क मेंबर स्टेट्स इन फाइटिंग टेररिज्म, करप्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अमंग अदर्स। सुना आपने, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो दक्षिण एशियाई देशों के साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में ही भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के चेहरे से ये नकाब आज नोच कर रख दिया। उनकी सरजमी पर खड़ा होकर उनको ही राजनाथ सिंह ने जमकर खरी खोटी सुनाई। सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में उन्होंने मियां नवाज शरीफ को जैसे आईना दिखा दिया, सच से सामना करवा दिया। आतंकवाद शांति के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दक्षिण एशिया इस रोग से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। पठानकोट, ढाका, काबुल और दूसरी जगहों पर ताजा कायराना आतंकी हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं। इन हमलों की सिर्फ कड़ी निंदा भर कर देने से कुछ नहीं होगा, हमें इस खतरे को खत्म करने के लिए सख्त संकल्प लेना होगा। और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब, जिनके नाम में ही शरीफ लगा हुआ है तो बार बार शरीफ बोलना पड़ता है, शरीफ साहब झूठ बोलते वक्त ये भूल गए कि वो कुछ दिन पहले ही कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के लिए टेसुए बहा रहे थे, दावा कर रहे थे कि कश्मीर को एक दिन पाकिस्तान में मिला ही लेंगे, और यहां तक कि कल जब सार्क के तमाम गृह मंत्री पाकिस्तान में थे तब उन्होंने कश्मीर की आजादी का राग अलापा था, जो इसी कार्यक्रम में हमने आपको सुनाया भी था। सुनिए उन्हें भारत से राजनाथ सिंह के जरिए क्या करारा आज जवाब मिला। ये भी निश्चित किए जाने की जरूरत है कि कोई राष्ट्र आतंक को महिमा मंडित न करे या संरक्षण न दे। किसी देश का आतंकवादी किसी के लिए भी शहीद या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता है। वो लोग जो आतंकवाद या आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, उन्हें संरक्षण और बढ़ावा देते हैं, उन्हें हर कीमत पर अलग थलग करने की जरूरत है। और ये बात ध्यान रखिएगा बुरहान वानी के संदर्भ में, बुरहान वानी हिंदुस्तान का आतंकवादी जिसको पाकिस्तान खुलेआम अपना हीरो बता रहा है, शहीद बता रहा है। राजनाथ सिंह ने नवाज को आईना भी दिखाया, वो ये कह रहे थे कि अच्छा या बुरा आतंकवाद
सिर्फ एक छलावा है, पाकिस्तान का धोखा है, दुनिया की नजरों में धूल डालने की कोशिश है, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद की परिभाषा को गढ़कर। पाकिस्तान का छलावा क्या है, सुनिए आप भी। अगर हमें आतंकवाद से छुटकारा पाना है तो हमें यह समझना होगा कि अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद का अंतर सिर्फ छलावा है। किसी भी तरह के आतंकवाद या उसके समर्थन को किसी भी तरह से जायज ठहराया नहीं जा सकता है। उन सभी लोगों के खिलाफ फौरन प्रभावी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है जो किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं, फिर चाहे वो स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट। तभी मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों के साथ इंसाफ हो पाएगा। साफ साफ कहा राजनाथ सिंह ने अपने इस भाषण में कि वो तमाम लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर दुनिया के कोई भी मुल्क क्यों ना हो, नेशन क्यों ना हो, उसको बॉयकॉट करने का वक्त आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ये सब सुनेगा, क्या पाकिस्तान ये मानेगा? उसके पिटारे में तो आतंकवाद का दानव है, वो दानव जो दुनिया भर में मासूमों का कत्ल कर रहा है, दुनिया भर की सरकारों के लिए सरदर्द बन चुका है, वो दानव जो पाकिस्तान ने भारत से बदले की आग में खड़ा किया था। पाकिस्तान भी खुद आतंकवाद का शिकार है, तब भी वो तमाम दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को अपने आप पना देता है। आपको याद होगा स्कूल में, पेशावर में किस तरीके से आतंकियों ने सैकड़ों बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। मासूमों को जिहाद के नाम पर हलाक कर दिया जाता है, उन्हें मारने वाले भी गरीब तबके से उठाए गए नौजवान होते हैं जिनके मासूम दिमागों में ऐसा जहर भरा जाता है कि वो किलिंग मशीन बन जाते हैं। पाकिस्तान सरकार, उसकी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों की नीतियों ने ही इन लोगों को तैयार किया है। आज पाकिस्तान में सोच आजाद नहीं है, वो धर्म के ठेकेदारों का गुलाम हो चुका है। IBN 7 पाकिस्तान को उसकी सच्चाई दिखाना चाहता है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान के बाजारों, गलियों, यहाँ तक कि मस्जिदों में अरदास कर रहे मासूमों, पूजा कर रहे अरदास कर रहे मासूमों पर को बख्शा नहीं जाता है, उनको भी सरेआम भून दिया जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में IBN 7 बहुत पॉपुलर है, देखा जाता है, इसीलिए पाकिस्तान के लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वहाँ की हुकूमत जो कुछ कर रही है वो दरअसल अपने ही देश के लोगों के खिलाफ बातें करना है। वहां पर लाशों का कारोबार हो रहा है जिहाद के नाम पर। इस पाकिस्तान की तस्वीर देखकर हम भी दुखी हैं, हमारा भी दिल रोता है। आखिर खस्ता हाल बर्बाद पड़ोसी किसको और क्यों अच्छा लगेगा? लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसी पड़ोसी ने ओसामा बिन लादेन जैसों को संरक्षण दिया। वो आतंकी जिसको दुनिया के तमाम मुल्क दुनिया भर में खोज रहे थे, वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सटे हुए उनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगे हुए एबटाबाद में अमेरिका के द्वारा मारा जाता है। पाकिस्तान हाफिज को भी अब अपना चेहरा बना चुका है, सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को अपने फायदे के लिए जैसे कि वो पाल रहा है, क्योंकि जो बात सईद और सलाउद्दीन कहते हैं वही भाषा वही तेवर अब नवाज शरीफ के हो चुके हैं। लेकिन क्या यही फायदा है? अगर ये फायदा है तो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती। पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों पर तोपों के गोले, हवाई जहाज से मिसाइल नहीं दाग रही होती। ये पाकिस्तान का कड़वा और खौफनाक सच है। क्या पाकिस्तान के लोग मियां नवाज या मियां राहिल शरीफ इस सच को कभी मानेंगे, या फिर वो हमेशा झूठ की दुनिया में ही जीना पसंद करेंगे? न सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकना, न सिर्फ दुनिया को झूठ बोलना, बल्कि खुद अपने आप से झूठ बोल लेना। क्या पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सियासत के इन तमाम चेहरों को माफ कर पाएगी? हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आतंक मिटाने में पाक मददगार, जैसे कि नवाज शरीफ ने कहा, क्या नवाज शरीफ का ये बयान दुनिया के साथ बड़ा धोखा है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP space देकर Y लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं तो HTP space देकर N लिखिए, और 5188 पर अपने जवाब SMS करें। #HTP और
राजनाथ की खरी खरी के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स और सवाल भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय अब मैं आपसे करवाता हूं। इस बड़े डिबेट में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थनाथ सिंह, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन और फॉर्मर डिप्लोमैट मीम अफजल साहब, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ, आलोक बंसल साहब एक और रक्षा विशेषज्ञ यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ, पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर लीडर नवीद चौधरी साहब और पत्रकार नुसरत अमीन। आप सबका वेलकम है। सबसे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के तेवर के बाद क्या उन तमाम विरोधियों को मैसेज मिल गया है कि भारत पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में उन तमाम घटनाओं का जिक्र किया, चाहे वो पठानकोट हो चाहे वो मुंबई हो, जिनके जरिए हिंदुस्तान में आतंकवाद की वारदातों को पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दिया गया। सिद्धार्थ, देखिए, जो हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ जी ने जिस प्रकार से अपना भाषण रखा है और जिस प्लेटफॉर्म पर रखा है, उससे उन्होंने रुख जरूर साफ करा है कि ये जो आतंकवाद के प्रति कि आपका जो आतंकवादी है भारत का, वो हम एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है, और इस प्रकार की जो चीजें जो पाकिस्तान बार बार कहता है उस पर भारत का क्या रुख है, वो उन्होंने पूरा पूरा स्पष्ट किया है। और आतंकवाद की आड़ के अंदर, आप फ्रीडम स्ट्रगल की आड़ के अंदर आतंकवाद नहीं चला सकते, ये भारत ने एकदम स्पष्ट किया है और इसमें अब कोई दो संदेह नहीं है। मगर साथ ही साथ भारत ने हमेशा, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं मोदी जी, उनका रुख जरूर रहा है कि सार्क को एक प्लेटफॉर्म है जिसको मजबूत करना है। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में भी सबको बुलाया था। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ बाकी नेबर्स के साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए, एक पहल करी। और उफा जो एक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कभी कभी कम करते हैं, उफा के अंदर जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, वहां से एक रास्ता दिया पाकिस्तान को कि एक ये विंडो है, आप इसके माध्यम से अपने आप को भारत के साथ आतंकवाद से अलग होते हुए आप एक रास्ता अपना सकते हैं, आइए हम मिलके चलते हैं, आतंकवाद को एड्रेस करते हैं, जो आपको भी आपने वहां पे उसको बढ़ाया, मगर आपके ऊपर भी वो आज हावी हो रहा है, और हम लोगों के साथ तो 20 साल से आपकी नीति रही है, मगर उसको भी उन्होंने अपनाया नहीं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ईरान हो, आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है अपनी हरकतों के द्वारा। नुसरत अमीन पाकिस्तान के मेहमान है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। अमीन साहब, ये कैसे हम मान लें कि आप लोग टेररिज्म को पेट्रोनेज नहीं दे रहे हैं? वहीं पे सलाउद्दीन, वहीं पे हाफिज सईद, वहीं पे दाऊद इब्राहिम, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ये कहना सार की ओपनिंग सेरेमनी में कि हम टेररिज्म के खिलाफ दुनिया के साथ खड़े हैं, टेररिस्ट का खात्मा करना चाहते हैं, कैसे इन लोगों को संरक्षण देकर, इन लोगों को अपने साथ पाल पोस कर? अमीन साहब जी, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, सर मैं आपका सवाल। अमीन साहब, सिग्नल में प्रॉब्लम है, शायद मैं भी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ जी। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, अब सुन सकता हूँ जी, बोलिए जी। देखिए, बात यह है कि हमने जो दो चार आतंकवादी हैं और पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, तो देखिए हमें जो मुख्तलिफ मुकदमात में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर जाकर वो एक फ्री सिटीजन की तरह रह रहे हैं, क्योंकि उस मुल्क में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तो आप जितने भी नाम लेंगे, वो चाहे जितने क्रिमिनल हो या मुजरिम हो, अगर पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, नंबर वन ये। दूसरी बात ये कि देखें, अगली बात का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं एक मुद्दा बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, उस तरह से बात करना बड़ा मुश्किल होता है जिस फोरम में खुद मेजबान होस्ट या किसी कंट्रोल करने वाला शख्स भी किसी एक साइड को सपोर्ट कर रहा हो। अभी जो मैंने आपकी ट्रांसमिशन का इंट्रो सुना,
उसके बाद जो रिपोर्ट सुनी, उससे पहले हेडलाइंस जो सुनी, उसके बाद जब आपने तमीज बांधी है, तो उन सब में ये बड़ा क्लियर है कि आप जो है रेडिकली पाकिस्तान के स्टैंड, पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो कुछ भी मामला हैं, उस पर पाकिस्तान के सारा जोर अमीन साहब, आप जर्नलिस्ट हैं की जानिब है, अमीन साहब आप जर्नलिस्ट हैं, मैं सोच रहा था कि आप ईमानदारी से बात करेंगे। अमीन साहब आप सीनियर हैं मुझसे, मैं जो देख पा रहा हूं, मैं आपको बहुत बहुत ही विनम्र तरीके, बहुत ही हम्बल तरीके से बोलना चाहूंगा। आपका होम मिनिस्टर हमारी सरजमी पर आए और आपका मोस्ट वांटेड टेररिस्ट उनको गालियां दे, आपको अच्छा लगेगा? आप उस वक्त ये कहेंगे कि जाके उस टेररिस्ट से आप गले मिल लीजिए, उसके साथ आप शेक हैंड करिए? क्या ये सिखाना चाहते हैं आप हम लोगों को? अगर आप ये सिखाना चाहते हैं तो हम रेडिकल हैं, और मैं रेडिकल होने से अधिक अपने आप को नेशनलिस्ट मानता हूं। अमीन साहब प्लीज आप मुझे मत सिखाइए, आप अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए। ये फोरम आपके लिए नहीं है अमीन साहब, ये फोरम मेरा है, मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दे सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, बट मैं आई वोंट टॉलरेट कि मेरे होम मिनिस्टर की वहां पर क्रिटिसिज्म हो, वो भी एक आतंकवादी के हाथों। आई वोंट टॉलरेट दिस, आप टॉलरेट कर सकते होंगे अमीन साहब, लेकिन आई वोंट। फोरम आपका नहीं है मेरे भाई, ये फोरम आपका नहीं है, अगर आपने मुझे शामिल किया है, या तो आप मुझे शामिल ना करें, या फिर ये फोरम मेरा भी है। तो अगर मैं आपको शामिल कर रहा हूँ तो आप मुझ पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? अगर मेरा इंटेंशन होता तो मैं आपको शामिल ही क्यों करता अमीन साहब? सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ, सवाल मैं इसलिए भी आप पे बोल रहा हूँ कि आप एक टेररिस्ट के साथ जो बात सलाउद्दीन कह रहा है नहीं ले सकते, आप जो बात सलाउद्दीन कह रहा है, आपकी आपके अंदर इतनी भी हिम्मत है अमीन साहब कि आप, सुमित जी मैं आता हूँ एक मिनट, अमीन साहब आपके अंदर इतनी भी हिम्मत है कि आप वहां बैठकर एक शब्द भी अपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोल सके कि हमने हाफिज सईद को, सलाउद्दीन को, दाऊद इब्राहिम को रखा हुआ है यहाँ पे? डू यू हैव एनी गट्स? कैन यू से अ सिंगल लाइन? मेरे अंदर, देखिए मेरे अंदर ये बात कहने की, मानने की या इनकार करने की हिम्मत है या नहीं, ये तो बड़ा सेकेंडरी सवाल है, इसकी कोई तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है। क्यों? जो हकीकत है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मैंने तो पहले ये बोला था कि दुनिया हैं जिनके खिलाफ हेनियस क्राइम यहाँ पर दर्ज है, लेकिन वो बर्तानिया में और दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान को मत मानिए, यूनाइटेड नेशंस को तो मानेंगे। उसने कहा है हाफिज सईद के बारे में, सलाउद्दीन के बारे में, खुलकर वो टेररिज्म का संदेश भेजते हैं, रोज उनके नए नए वीडियोज हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, और यहां तक कि प्राइम इस्लामाबाद की जमीन पर खड़े होकर सलाउद्दीन राजनाथ सिंह के बारे में गंदी बातें बोलता है, ऐसी बेहुदा बातें जो मैं बोल भी नहीं सकता हूं चैनल पर। मसलन क्या बातें बोलता है जरा आप बताएंगे मुझे? ये आप ही जानिए, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे दर्शकों को पता है कि सलाउद्दीन ने क्या कहा। अगर वो कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करते हैं तब तो यकीनन कोई, अरे आप तो उनको पाल के बैठे हुए हैं, आप क्या आतंकवाद। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, सॉरी अमीन साहब आपसे बात करके कुछ फायदा नहीं है, आपका काम है उनको डिफेंड करना, और मैं तो सोच रहा था कि आप कम से कम टेररिस्ट की तो आलोचना करेंगे, आप टेररिस्ट की भी आलोचना नहीं कर रहे, ना ही टेररिज्म की कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें। नहीं नहीं अमीन साहब, ऐसे कैसे मुकम्मल होने दें, आपका मर्जी थोड़ी है, वहां जाइएगा पाकिस्तान के चैनल पर और हिंदुस्तान के लिए बोलिएगा, मेरे बारे में बोलिएगा कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम करते हैं। मीम अफजल अपोजिशन के लीडर जनरल जी डी बख्शी, डिफेंस के फॉर्मर रिटायर्ड जनरल आलोक बंसल, चार चार हिंदुस्तानी लोग बैठे हैं और ये उतने ही प्रैक्टिकली बात करेंगे जितना कि आप सुनना चाहते हैं। लेकिन अमीन साहब यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारी मेहमान नवाजी ये नहीं सिखाती कि जब हमारे देश में कोई आ रहा हो उसके बारे में हम अपशब्द बोलें, गलत शब्द बोलें, और जो लोग बोल रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। सलाउद्दीन को आपने आज तक नहीं पकड़ा है। जनरल बख्शी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए ये जनाब फरमा रहे हैं नुसरत अमीन साहब कि सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ, हाफिज सईद के खिलाफ, इन सारे टेररिस्ट के सरगनाओं के खिलाफ पाकिस्तान में कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, यही तो रोना है। हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने
इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा हुआ है। अमेरिका की सरकार ने $10 मिलियन का अवार्ड उसके सर पे लगाया हुआ है। और एक आपका मुल्क है जो डोसियर पे डोसियर हम पिछले 8 सालों से दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो कोई क्रिमिनल है ही नहीं, क्योंकि आपने उसको पाला, आपने उसको पोसा, आपने हथियार दिए, पैसे दिए और टेररिस्ट की वारदातों को सरंजाम करने के लिए हमारे मुल्क में धकेला वो टेररिस्टों को, आप कहां उसको सजा देंगे। लेकिन फिर आप झूठी ढकोसली बातें तो ना करें। आज आपके प्रधानमंत्री ने सार्क समिट का जब वहां पे जब होम मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी तो अपने ओपनिंग एड्रेस में कहा कि आप दुनिया की मदद करेंगे टेररिज्म के खिलाफ। क्या खाक मदद करेंगे आप? 8 साल से आपको दिया जा रहा है, डोसियर पे डोसियर दिया जा रहा है, आप उसको कोर्ट के वो जो है उस पर लेने को नहीं है तैयार। आप जानबूझकर एक्शन नहीं करना चाहते, आप ऐसे लोगों को दूसरे देशों पर छोड़ना चाहते हैं पालतू कुत्तों की तरह, और फिर आप कहते हैं कि ये पूरा साउथ एशिया हमसे खफा क्यों है, अफगानिस्तान आपसे दुखी क्यों है, बांग्लादेश आपसे दुखी क्यों है, क्यों बांग्लादेश ने अपना इंटीरियर मिनिस्टर नहीं भेजा आपके यहां, क्यों ईरान आपसे दुखी है, भारतवर्ष को तो आपने पिछले 70 साल से तकरीबन तंग करके रखा हुआ है, ना आप जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। आप साहब बहुत बातें करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की, क्या आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 पढ़ी है जिसके तहत कहा गया है कि नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर। तो अगर मान ले आप कश्मीर को बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कहती है कि आप उसके लिए टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू आर वायलेटिंग द यूएन काउंसिल रेजोल्यूशन, जिसकी आप आए दिन हमको दाद देते रहते हैं, पाठ पढ़ाते रहते हैं। जरा कभी आपने अपने गरेबान में झांका है? फ्रीडम स्ट्रगल की आप बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? Let me bring in other guests also. Amin साहब मैं आऊंगा, नवीद चौधरी साहब भी हैं। नवीद साहब, जिस मुल्क में ओसामा बिन लादेन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहता हुआ मारा जाता है, कैन वी एक्सपेक्ट कि वहां के लोग आतंकवाद के खत्म करने के बारे में कब आप बोलेंगे या काम करेंगे? नवीद चौधरी, पहली बात तो यह है कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में और जिस तरीके से नुसरत अमीन साहब से आपने बात की, मुझे नहीं समझ आई कि आपके अंदर कौन सा गुस्सा था जिसका आपने इजहार इस तरह किया। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने बदतमीजी की है आपके होम मिनिस्टर के साथ, और आपने जो अपने गेस्ट के साथ जो ट्रीट किया, क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त रवैया? मैं तो समझता हूँ कि आपका रवैया दुरुस्त नहीं, आप बायस्ड हैं इस सोच के हिसाब से। चौधरी साहब, ओपन डिस्कशन, चौधरी साहब आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, आपको वहाँ रहना है, आप चाहकर भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं वहां रहने वाले आतंकवादियों को। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि नवाज शरीफ के खिलाफ बोलिए, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ राहिल शरीफ के खिलाफ बोलिए, मैं तो ओसामा बिन लादेन पे सवाल पूछ रहा हूँ, और आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नॉर्थ कहाँ है और आप मुझे कह रहे हैं ईस्ट कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मोदी साहब को गाली निकाल सकते हैं? एक सेकंड सुमित जी, सिद्धार्थ, हमारी मीडिया दिन रात हमारे लोकतंत्र में डेमोक्रेसी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारी सरकार हो, हमारा विपक्ष हो, हमारे राज्य सरकारें हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, ओपन क्रिटिसिज्म करते हैं और रोज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। इसलिए नसीहत ना दीजिए आप, मैं आपसे कृपा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नसीहत मत दीजिए, और कुछ फैक्ट्स के बारे में जनरल बख्शी ने साहब ने रखा है उसका आप जवाब दीजिए, यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में जवाब दीजिए, हाफिज सईद के बारे में जो टेररिस्ट कहा करार किया गया है उसके बारे में जवाब दीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ, आप मेरी बात सुन ले, आप एंकर ना बने ना, आप अपना आपने आपके दौरान मैं नहीं बोला बिल्कुल, मैंने एंकर से बात कर रहा हूँ जो कि न्यूट्रल एम्पायर की बात कर रहे हैं, उसके उनके साथ बात कर रहा हूँ। अभी भारत पाकिस्तान में भारतीय एंकर न्यूट्रल नहीं होता है, यू शुड नो दिस, न्यूट्रल होता है क्या पाकिस्तान के चैनल्स पे होता है? आपके चैनल्स पे तो हम लोगों को इन्वाइट तक नहीं करते हैं, वो इन्वाइट करते हैं हुर्रियत के लीडर्स को जो आपको सूट करते हैं। एक बार हमको इनवाइट करके तो देखिए, आप बोलिए, अपने जिहाद चलाइए, जहाँ बहुत जिहाद चलाने में माहिर है ना, एक बार जिहाद चलाइए कि हिंदुस्तानी खबर नफीसों को बुलाया करिए अपने शो में, तब हम आपको आईना दिखाएंगे। आपके किसी टीवी चैनल पर मादा नहीं आई,
आप समझते हैं कि हम अनवांटेड लोग हैं तो ना बुलाया करें भाई हम अनवांटेड लोग नहीं है बट यू हैव टू क्रिटिसाइज एटलीस्ट द टेररिस्ट आप अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं बट हाउ कैन यू सेव सलाउद्दीन एंड हाफिज सईद बी व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू यू आर नोबडी टू टेल मी एंड गाइड मी व्हाट टू डू और नॉट टू मेरे आपके पॉइंट्स हैं मैं टेररिस्ट के खिलाफ नहीं नजर आता आपको अच्छा पार्टिसिपेट करने नहीं चाहते ना बख्शी साहब नहीं मैं करना चाहता हूँ लेकिन आप सुनना नहीं चाहते नहीं आप आपको ना जवाब अरे भाई आप डिबेट में बात ही नहीं कर रहे हो समय बिन लादेन पे बात कर रहा हूँ आपको आप मुझे कुछ और बता रहे ऐसा थोड़ी होगा सवाल मैं पूछूंगा जवाब आपको देना अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको क्यों सुनूंगा अपनी बात किए जाएंगे आपको मेरे सवाल का जवाब देना है चौधरी साहब आपके सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ सुने नहीं दे रहे हैं आप बोलिए अच्छा तो सुनता हूं, एक और सुनेंगे तो आपके होम मिनिस्टर साहब ने जब स्पीच की और जिस स्पीच का जवाब आज हमारे होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दिया उन चीजों की क्लेरिफिकेशन की वो आपके सारे सवालों को जवाब वो मीडिया पे दे चुके हैं और आपको भी मिल चुका हुआ जवाब कि आपने आके इल्जामत लगाए यहाँ बैठ के पाकिस्तान के उन चीजों के ऊपर जिसके आपने अभी तक एविडेंसेस ना दे सके सिर्फ बयान की हद तक बातें की जा रही है आप जिनकी टेररिज्म की बात कर रहे हैं साहब क्या बात कर रहे हैं आप क्यों नहीं चौधरी साहब आप हिंदुस्तान को मत मारिए पठानकोट में वो आपने कहा दिया एविडेंस पठानकोट में आपकी पूरी की पूरी फौज आके खड़ी हो गई आईएसआई का ऑफिशियल आ गया अब हमारी बारी आपके बुलाने की क्यों नहीं बुलाते हमारे लोगों को अपने यहाँ अगर आप फ्री एंड फेयर गेम में विश्वास करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं हिंदुस्तान ने तो आपको पठानकोट में बुला लिया एयरबेस तक दिखा दी आपकी एजेंसी को चौधरी साहब आपके अंदर तो कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब आप यहाँ एविडेंस दिए हैं आपने मुझे बता दे जब एविडेंस मांगे आपसे पूछिए जाके अपने इंटीरियर मिनिस्टर से हिसाब से एविडेंस दिया है साहब एक एविडेंस दिया एविडेंस आपको किलो के हिसाब से देखिए दिया है गुफ्तगू लीजिए गुफ्तगू की हद तक गुफ्तगू आपको किलो के हिसाब से एविडेंस दिया गया है सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी को टेररिस्ट करार दिया मैं समझता हूँ कि पूरे इंडियन चैनल पे हाफिज सईद सलाउद्दीन वगैरह एक फोबिया हो चुका हुआ है उस फोबिया को हम डिस्कशन में ले आते हैं हम बातें किसी और चैनल के एक फोबिया लेके बैठे हैं फोबिया फोबिया अरे जो बच्चा 166 हिंदुस्तानी और बाहर के शहरी मार दे मरवा दे उसका फोबिया नहीं होगा तो और क्या होगा था? से तो नहीं है ना नहीं आप प्लीज बताइए पूरी दुनिया ने उसको टीवी पे देखा अब आप बोलेंगे साहब कि अजमल अमीर कासब पाकिस्तानी नहीं था है नहीं आप बोल दीजिए कि अजमल अमीर कासब पाकिस्तानी नहीं था मौजूद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाए केस को हमारे केस को वहां ले जाए अब रियली सीन नवी चौधरी साहब आई एम शॉक टू हियर ऑल दिस देखिए साहब नहीं 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 यू शॉक टू हियर मैं चौधरी साहब बिकॉज़ आई एम टेलिंग द फैक्ट हिंदुस्तान की अदालतों के लिए चौधरी साहब हिंदुस्तान की अदालतों के लिए वो एविडेंस काफी था फांसी पे लटकाया गया अजमल अमीर कासब को अमेरिका की अदालतों के लिए वो एविडेंस काफी था डेविड होलमैन हेडली अभी सलाखों के पीछे है केवल आपकी कोर्ट्स के लिए एविडेंस काफी नहीं है कोई भी एविडेंस काफी नहीं होगा जनाब जब नियत की नहीं उनको तो कोई भी एविडेंस काफी मोइनुद्दीन हैदर साहब भी जुड़ गए मेरे साथ और आलोक बंसल जी भी एक कमेंट आपके जरूर लेना चाहूंगा अफजल साहब आपने काफी देर साथ रहा शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए मीम अफजल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ओपोजिशन पार्टी के नेता नुसरत अमीन और हमारे यहाँ तो बड़ी आसानी से हम सब मिलकर एक साथ बैठते हैं आपके यहाँ तो आई डोंट नो क्या होता है अफजल साहब देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो तीनों हैं उसमें नुसरत अमीन साहब जर्नलिस्ट हैं नवेद चौधरी साहब पॉलिटिशियन हैं और हैदर साहब भी शायद पॉलिटिशियन हैं मैं ये कहूँगा कि आपने अभी बहस का जब आगाज़ किया उससे पहले खबर आज चल रही थी कि राजनाथ सिंह साहब जो पाकिस्तान गए उनकी तकरीर का बाइकॉट किया ब्लैकआउट किया गया और पाकिस्तानी मीडिया को वो तकरीर नहीं दिखानी गई इसीलिए आपने भी शायद उस तकरीर के कुछ हिस्से लिखित यानी लिखे हुए रूप में दिखाए आपने उसे सुनवाया नहीं इससे साफ जाहिर होता वीडियो नहीं है हमारे पास तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के हमारे मेहमान बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तान के मेहमान बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि हिंदुस्तान के एक वज़ीर दाखला वहाँ पर बोल रहे हैं तो पाकिस्तानी आवाम को सुनना चाहिए और उनकी बात पाकिस्तानी आवाम तक पहुँचनी चाहिए थी
मुमकिन है वो उससे मुतासर होते, मुमकिन है वो उससे मुतासर ना होते, मुमकिन है वो समझते हैं पाकिस्तान की कहीं गलती है। ये कहीं चोर था जो आपने उसको देखा कि ब्लैकआउट किया गया। मैं आपको पार्टी नहीं समझता हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, इसलिए मैं समझता हूँ आपका इंडिपेंडेंट व्यू आना चाहिए। लेकिन मैं साथ एक मिनट, मैं मेरी बात सुन ले, मैंने आपको बहुत सुना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपको देखिए, आपके तीन तीन लोग आज चैनल पर बैठे हैं, तीन तीन आप जी जो ओपनिंग होते हैं, जो ओपनिंग आते हैं, जो आएगा तो ओपनिंग रिमार्क तो नवाज शरीफ साहब का तो दिखाया आपने, बाकी इनके ओपनिंग रिमार्क जो सुनिए, अरे भाई आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर तो हमने पूरी देखी आज, ये वो दिखाई नहीं जीना क्योंकि वो ओपन कर रहे थे उसका, हमेशा यही पॉलिटिशियन है कि जब 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 आप मेहरान को ओपन करेंगे होम मिनिस्टर की, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, सुनिए होम मिनिस्टर की, और आप ये देखिए कि आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब लोग आप हमारे चैनल पे बैठते हैं, चाहे IBN 7 पे बैठे हैं, चाहे जी न्यूज पे बैठे हैं, चाहे किसी पर बैठे हैं, हम लोगों का आपका झगड़ा होता है, आप हमें पार्टी बनाते हैं, हम आपको पार्टी बनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लाया गया है तो आपको एक इंडिपेंडेंट व्यू रखना चाहिए चाहिए। कभी कभी नुसरत नवीन साहब अच्छा व्यू रखते हैं, मैंने देखा है, कभी ऑब्जेक्टिविटी के साथ बात करते हैं, लेकिन आज आज जो है वो भी थोड़ा सा मुझे लग, आप पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, आप पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, लीडर हैं, तो जाहिर है कि आप इंडिपेंडेंट व्यू कैसे देंगे, आप तो अपनी पार्टी का व्यू देंगे। मैं अपोजिशन में हूँ, हम यहाँ रोजाना मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं जैसा कि बताया गया, लेकिन जो आपके ताल्लुक से हम लोगों को भी बड़ी तकलीफ है, मैं आपको सुनिए जरा मेरी बात, नवेद साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी बात सुन लें, हम मैं कुछ बात दिल से करना चाहता हूँ। देखिए आपके 60,000 लोग मारे गए हैं और ये टेररिज्म के नतीजे में मारे गए हैं, और आज जो टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन से हो या हिंदुस्तान में, हम लोगों ने उनके खिलाफ सबूत है हमारे, हमने आपको बुलाया, लेकिन आप लोग उनको टेररिस्ट मानने के लिए क्या आप एक जुमला भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं? मैं क्या समझूं आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, अफजल साहब कितने इंडिपेंडेंट है आप, लेकिन ये हिंदुस्तान का बड़ा बना है उसकी डेमोक्रेसी का सीधा तकाजा है कि आप जैसे तीन तीन लोग पूरे हिंदुस्तान में सुने जा रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर का आप ब्लैकआउट करते हैं, ये आपके अंदर और हमारे अंदर फर्क है। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के मेहमानों को बुला करके उनको अपना प्रोपेगेंडा करने का मौका हिंदुस्तानी चैनल पर दिया जाए, लेकिन दिया जाता है क्या? आपने किसी चैनल में, आपके जियो ने किसी चैनल ने रोजाना हमको कभी बुलाया? नहीं बुलाएंगे सर, मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन, आप पीपीपी के लीडर हैं, आपको बुलाया जा रहा है, आपके जर्नलिस्टों को बुलाया है, मेरे कितने जर्नलिस्टों को पाकिस्तान के टेलीविजन पर दिखाया? अफजल साहब लेट मी कम इन हियर, लेट मी कम इन, लेट्स कम टू द पॉइंट, लोग उनको अपना पॉइंट सुनाने देते हैं। मीम अफजल साहब प्लीज, आपकी इजाजत से नवी चौधरी साहब, आपकी इजाजत से दो मेहमान और हैं, आलोक बंसल साहब बैठे हुए हैं और जनरल मोइनुद्दीन हैदर भी जुड़ गए हैं, मैं आलोक बंसल आपको लेके आऊंगा, फिर मोइनुद्दीन हैदर साहब आप जवाब दीजिएगा। आलोक बंसल, क्या नवाज शरीफ साहब जो आज की तारीख में कहते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ने में सार्क की और तमाम दुनिया के मुल्कों की मदद कर रहे हैं, इस बयान पर भरोसा होगा जब वहां पर हाफिज सईद जैसे लोग खुले घूम रहे होंगे? भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी खुलेआम इस बार पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई है, और हाफिज सईद तो जिसको दुनिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया वो खुलेआम घूम रहा है और भारत के गृहमंत्री को धमकी दे रहा है। मोइनुद्दीन हैदर साहब खुद वजीर दाखिला रह चुके हैं, उनको मालूम है जब भी सार्क की इंटीरियर मिनिस्टर्स की सबमिट होती है, इस तरीके की महत्वपूर्ण मीटिंग्स होती हैं, तो उनको मीडिया जो है लाइव टेलीकास्ट करना चाहता है क्योंकि इसमें सारे दक्षिण एशियाई देशों का इंटरेस्ट रहता है। लेकिन इस बार इस कॉन्फ्रेंस को ब्लैकआउट इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के आवाम को यह ना लगे कि हम विदेशी मामलों में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है दक्षिण एशियाई संगठन के अंदर कि एक भारत नहीं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अन्य सभी राष्ट्र जो है पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो आतंकवाद है इसका स्रोत अब पाकिस्तान बन गया है और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इन आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। ये जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट जिसके बारे में आज राजनाथ सिंह जी ने कहा, ये पाकिस्तान की एक समस्या है और इसको खत्म करने की आवश्यकता है। तो पाकिस्तान के आवाम को ना दिखाना पड़े
इसलिए उन्होंने इस पूरी न्यूज का ब्लैकआउट किया, जिससे कि उनको यह ना पता चले सार्क के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। वेरी ट्रू। सिद्धार्थनाथ सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल हैदर, फिर आप जवाब दीजिएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह नहीं, मैं जी देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आवाम के लोग बैठे हुए हैं, यहां पर आए हुए हैं, गेस्ट हैं, मगर इनको कहीं इंडिपेंडेंट होके अपना व्यू नहीं देना चाहते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस हम लोग डिस्कशन में जा सकते हैं। पाकिस्तान के जो गेस्ट बैठे, मैं दो तीन चीज खाली पूछना चाहता हूं। क्या आपके यहां अभी यूनाइटेड नेशंस की बात हो गई कि हाफिज सईद हैं और उसामा बिन लादेन, इन सबको डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान के अंदर, दाऊद इब्राहिम है, आप उसको डिनाई करते रहे, मैं वो भी वहीं पे है, ये सब डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्या आपके मुल्क के अंदर AK-47 लेके जो लोग घूमते हैं उनके, क्या आपका कानून उसको अलाउ करता है? इसका थोड़ा हम लोगों को भारत के चैनल पे इसका जरा उल्लेख कर देंगे आप तो हम लोग को बड़ी सहूलियत होगी आपको समझने में। दूसरी चीज, क्या आप लोगों को लगता है कि आपके यहां जो पेशावर के अंदर हुआ या कहीं और भी हुआ जो घटनाएं हुई हैं वो आतंकी घटनाएं हैं या ये कोई पागलपन था जो आके मार के चला गया? कहीं पागलपन था तो फिर आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं आतंकवाद के ऊपर, मगर आप लोगों को लगता है कि वो मासूम लोगों की हत्या हुई या आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके लिए पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए, या आप लोग जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं या जनरल्स रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि आपका मुल्क सही रास्ते पे जाए? कहीं ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है तो हम लोगों को आपके साथ बहस करने का नहीं है? हमारे जो फौजी लोग हैं वो आपका जवाब देते रहेंगे, हम लोग को आपसे क्या बात करने की जरूरत है? जनरल मोइनुद्दीन हैदर, प्लीज जवाब दे। अगर आपको हमारी बात पसंद नहीं आ रही तो हमको भी कोई शौक नहीं है आपके चैनल पर आके बोलने का, क्योंकि आप कोई डिस्कशन पॉजिटिव नहीं करते हैं, और जो आप एक चीज पे अरे होते हैं कि अटूट अंग है तो फलाना है, उस पर अड़े रहते हैं। और अभी तो हमने कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया है हैदर साहब, दो सवाल सिद्धार्थ ने पूछे हैं, मैं चाहूंगा उनका जवाब दे दें आप। जी मैं आपको करता हूँ कश्मीर का जिक्र। आपने यूएन का कहा तो यूएन ने तो कहा है कि वहां प्लेबिसाइट कराओ और ताकि वो फैसला करे कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ मिलना है कि पाकिस्तान से। यूएन ने पहले कहा पाकिस्तान खाली करे। पहले पाकिस्तान, आपने वो रेजोल्यूशन देखा नहीं है यूनाइटेड नेशंस का? मोइनुद्दीन हैदर साहब, वो रेजोल्यूशन बोलता है पहले पाकिस्तान वेकेट करे। आपको पहले वेकेट करना है हैदर साहब, आप मिसलीड मत करिए, हिंदुस्तान की आवाम सब जानती है। और आपका जहाँ तक रूसों का ताल्लुक है तो अभी रिपोर्ट निकली है कि इराक पर हमला नाजायज था जो किया गया, तो ये जो अगर अमेरिका कोई बात कह रहे तो अमेरिका को कोर्ट कर रहे हैं, उनकी हर बात को 100% दुरुस्त नहीं मान सकते हम, उनकी अपनी सियासत है, उनकी अपनी जियो पॉलिटिक्स है। अच्छा, वो इस किस्म की गलत तैयारियां तो इराक के खिलाफ वॉर में पार्टिसिपेट किया था आपने अमेरिका के साथ, और आप आज अमेरिका को गाली दे रहे हैं देश के बारे में, क्या राय है? आप तो इंटीरियर मिनिस्टर थे हैदर साहब जब आपके पाकिस्तान ने अमेरिका का समर्थन किया मुशर्रफ साहब के जमाने में। हमने किया था, आपको हमको छोड़ के आपके साथ लग गए, अभी आप उनकी गोद में। अरे आप कुछ भी कर लीजिएगा चल जाएगा, हम कुछ करेंगे तो नहीं चलेगा। आप तो जंग में पार्ट लेते हैं और फिर आप अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं। भारत ने तो कभी अमेरिका का साथ नहीं दिया इराक के खिलाफ, बड़ा कोऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर आतंकवादी आतंकवादी की रट लगाइए, कलभूषण कौन है, इसको क्यों भेजा बलूचिस्तान में और कराची में, क्या करने आते हैं वो यहाँ पर लोग रिक्रूट करते हैं? कुलभूषण के पास आपको कोई हथियार मिला? कहाँ से पकड़ा? ईरान से पकड़ा? ईरान से पकड़ के लाया? जनरल साहब प्लीज मेरी सुन लीजिए। जनरल हैदर, अरे जनरल साहब इसकी भी सुन लीजिए। बोलिए जनरल बख्शी, आप बोलिए। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ आपको। आपने हमारे बंदे का नाम लिया, आप प्लीज बताइए क्या आपको उसके पास कोई AK-47, कोई ग्रेनेड, कोई एक्सप्लोजिव मिला? वो खाली हाथ था। आप उसको ईरान से किडनैप करके ले गए
और आप वहां पे ढंका पीट रहे हैं कि साहब वो रॉ का एजेंट है, उसने ये किया, उसने वो किया। आपके बंदे तो साहब, हम आपको हथियारों के साथ उनकी लाशें दिखाए। तीन तो जिंदा है, हथियारों के साथ आते हैं। तीन तो आज भी जिंदा हमारे पास है और जिंदा भी पकड़े जाते हैं हथियारों के साथ। बांट रहे हैं फाटा में, 35 लाख बांट रहे हैं बलूचिस्तान में। जनरल हैदर 60 करोड़ रह चुके हैं दो हवाले के जरिए। आपने ये जो कश्मीर में गफलत हुई थी अभी उसके दौरान भेजा है। अरे साहब 60 करोड़ रुपया तो आपने हवाला चैनल के थ्रू श्रीनगर भेजा है, अभी उसका कौन जवाबदार होगा? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं। और तीसरा साहब हैदर साहब, मैं फिर एक सवाल अमन की बात करें और डायलॉग करें। मैं अमन की बात कर रहा हूँ जनाब, जनाब मैं अमन की बात कर रहा हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए जनरल साहब, चलिए हमारा आपसे कोई रंजिश है, अफगानिस्तान के लोग क्यों खफा हैं आपसे, बांग्लादेश के लोग क्यों खफा हैं आपसे, क्यों बांग्लादेश ने अपना इंटीरियर मिनिस्टर आपकी कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा? जनाब इसका मुझे जवाब दे दीजिए। अरे वो आते रहते हैं, उनके पास जाते रहते हैं, हमारा उसके साथ सलाम दुआ रहेगी। आप जितना अरे इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है? जवाब नहीं है जनरल हैदर आपके पास? नहीं नहीं तो क्या दिया? जवाब नहीं है आपके पास? बांग्लादेश का इंटीरियर मिनिस्टर क्यों नहीं आया पाकिस्तान? भाई मशरूफ होंगे, नहीं आएंगे मशरूफ? मशरूफ तो आपने किया ना साहब, जनरल साहब मशरूफ तो आपने ढाका में कर दिया ना उनके बंदे मरवाकर। आप भी बहुत सी चौकड़ में नहीं पहुंच पाते, ऐसी कौन सी बात है? अच्छा कोई ऐसी बात नहीं, कौन सी बात है? मैं आपको ये तो आपको घर बार में झाके और अफगानिस्तान तो साल से बहुत देर दाखिल हुआ है, जनरल तो है भी नहीं और नहीं आया तो कोई हरज नहीं, फिर आ जाएगा हमारा। जनरल हैदर मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ, इसके पहले कि इस डिबेट को आगे ले जाऊँ, कुछ फैक्चुअल चीजें, क्योंकि आप ये कह रहे हैं बार बार। पूछना चाहता हूँ अफसर साहब, एक मिनट ले रहा हूँ अफसर साहब, एक मिनट ले रहा हूँ फिर आप बोलिएगा। पाकिस्तान के बीते एक साल के अंदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक करने वाले एक नहीं चार चार लोग जिंदा हैं आज भी हमारे पास, एक नहीं दो नहीं चार लोग जिंदा पकड़े हैं। और वो कसाब जो मुंबई में आया था वो पांचवा था जिसको हमारी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और उसको फांसी हो गई। और मैं ये तारीखें बता दूं, 26 जुलाई 2016 अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, बहादुर अली मिला हमको जो आपके लाहौर का रहने वाला था। 27 अगस्त 2015 जावेद अहमद मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का रहने वाला। 5 अगस्त 2015 उधमपुर में नावीद नाम का एक शख्स पकड़ा गया जो कि फैसलाबाद का है, ये भी जिंदा हमारी एजेंसियों के पास है। ये तमाम ये तीन लोग जिंदा है, मैं चार बोल रहा था माफी करता हूँ, तीन आतंकी आज भी हिंदुस्तानी एजेंसियों के पास जिंदा हैं। और आप ये कह रहे हैं कि अमन की बात करो, जनरल हैदर कैसे अमन की बात करें? हम तो अमन की बात करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बर्थडे के दिन पहुंच गए थे वहां पे। कराची से लोग ले जाते हैं, आप बाकी पाकिस्तान के हिस्सों से लोगों को वर्गला के ले जाते हैं, उनको वहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि जाओ बलूचिस्तान में हमले करो पाकिस्तानी फौज पर। क्या बात कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब तो मीर अफजल साहब देंगे, हमारे अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन के लीडर काफी आपके। जनरल हैदर साहब सुनिए क्या कह रहे हैं मीर अफजल खान आपकी बात, हैदर साहब बोलना चाह रहे हैं बार बार। जनरल हैदर साहब आप इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री आपकी कैसे काम करती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, आपको ध्यान होगा ये बात कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और भारत के अंदर आपसे ज्यादा मुसलमान हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं और हमारे कई यहां पर बोलने वालों ने भी आपसे कहा और पूछा आपसे ये सवाल कि जरा मुझे ये बताइए कि ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, बांग्लादेश भी वो मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, आखिर ये सब लोग आपके खिलाफ क्यों हैं? आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, कश्मीर का मसला हो सकता है इसलिए आप हम पर इल्जाम लगा सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तीन मुस्लिम ममालिक जो आपके पड़ोसी हैं जिसमें से दो की सरहदें आपके साथ लगती हैं, उनसे आपके रिश्ते अच्छे क्यों नहीं? बढ़िया सवाल है। और आपके यहाँ जो 60,000 लोग मारे गए उसके बावजूद भी जो आतंकवादी लोग हैं वो दंदनाते आपके यहाँ फिर रहे हैं। मैं आपको बता दूं
पाकिस्तान अगर कितनी भी कोशिश करे हिंदुस्तान को, हैदर साहब जरा सुन लें मेरी बात, उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा, सुनेंगे हम आपको। अपने बयानों को बचाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, हैदर साहब मैं जवाब लूंगा आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ, मीम अफजल साहब के बाद मैं आपसे जवाब लूंगा, अफजल साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान आखिर किस रास्ते पर जा रहा है। देखिए मैं 25-30 साल से कम 70 मुल्कों में गया हूँ। आज से 30-40 साल पहले पाकिस्तानियों को प्रेफरेंस मिलता था हर मुस्लिम मुल्क के अंदर, और हिंदुस्तानियों को कहते थे हिंदी मिस्कीन। आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान किया, पाकिस्तान के लिए आपने बाहर जो अच्छी फीलिंग्स थी वो भी आपकी पॉलिसीज के नतीजे में आज खराब फीलिंग्स में बदल गई। अमेरिका आपका दोस्त था, खुद आप इंटीरियर मिनिस्टर रहे, उस जमाने में आप अमेरिका को सपोर्ट करते थे। वेरी ट्रू। आज अमेरिका अगर ये कह रहा है कि हाफिज सईद टेररिस्ट हैं तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे बताइए आप पाकिस्तान को ले जाना कहां चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के आवाम पर कुछ थोड़ा बहुत तो रहम कीजिए आप। हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, हमें भी बहुत शिकायतें होती हैं। अफजल साहब, हम अपनी शिकायतों को सामने रखते हैं, इसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर हैदर साहब की बात सुनते हैं, पार्टी रूलिंग पार्टी से मोदी जी से रोज लड़ते हैं। लेकिन आप बताइए कि आप क्या महाजरों के साथ क्या सलूक हो रहा है? हैदर साहब जवाब दीजिए, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने जाकर डेमोंस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। अफजल साहब, क्या आपने कभी आपने गौर किया, कभी आपने दिल में झांका कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? और मैं एक बात और बताऊं हैदर साहब, कि आप इस्लाम के नाम पर कश्मीर की बात करते हो, मैं 20 करोड़ मुसलमानों की सीलिंग आपको बता रहा हूं। आपकी इस हमदर्दी के नतीजे में हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, आपकी इन पॉलिसीज की नतीजे में, कि शायद हम मुसलमान हैं, हम भी आपकी सोच के लगते हैं, हमको शायद इस्लाम ने वही सिखाया है जो पाकिस्तान वाले लोग करते रहते हैं। माफ कीजिए, आपको अपने दिल के अंदर घूट करके देखना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान के साथ तो आप बाद में नाइंसाफी कर रहे हो, आप पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हो तो आप कितनी तरक्की करते हैं इसका अंदाजा नहीं है आपको। तरक्की ना चाहते हैं, ना कराना चाहते हैं, ना शांति चाहते हैं, ना तरक्की चाहते हैं, सिर्फ कश्मीर के नाम पर, क्योंकि वही एक इनके पास ग्लू है, फेविकॉल है, जिससे ये अपने मुल्क को जोड़कर रखना चाहते हैं, कश्मीर में डिस्टरबेंस पैदा कर तभी एस्टेब्लिशमेंट स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स भारत के मुसलमान को पाकिस्तान के मुसलमानों से जोड़िएगा नहीं। उनके ऊपर इस प्रकार का आप ये भी मत सोचिएगा कि भारत का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के मुसलमान को कटघरे में खड़ा करता है। तो इसलिए कृपा करके मीन अफजल साहब, भारत का मुसलमान उतना ही है। ये इन लोगों के साथ आप सिद्धार्थ साहब, हाँ, इनके साथ रहम की मत करिए, इनके बजाय हम लोग कोई नहीं खड़ा कर रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ। नुसरत अमीन साहब, मीन अफजल साहब इसको अलग कर लेंगे, मगर ये मत करिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के मुसलमान हो सकते हैं मगर हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, और कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा इसको लेके। जनरल बख्शी, वो तो राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं, उसके बाद दूसरे मिनिस्टर भी बोल चुके हैं। माफ कीजिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी मेहमान यहाँ पे हैं। मैं जनरल हैदर साहब से एक फौजी के तौर पे सवाल करना चाहता हूँ। जनाब, आप हमेशा हमें तकरीर देते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1267 जो कहती है नो कॉज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग कश्मीर जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर। अरे साहब, जब आप इनके सिग्नेटरी हैं, यूएन के आप मेंबर हैं, तो कैसे आप जो है फ्रीडम फाइटिंग का नाम करार दे सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म हो रही है? बुरहान वानी, नहीं साहब, दो पुलिस वाले वहां के बेचारे मुसलमान, उसने वहां के दो सरपंच और उनके बेटों को मारा, बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। आप कैसे उसको कह सकते हैं? मोइनुद्दीन हैदर साहब, मैं जानता हूं आपके पास क्या जवाब होगा। आप संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस को मानेंगे नहीं, आप कश्मीर पे वही राग अलापेंगे जो आपको पसंद है, लेकिन कुल मिलाकर
सार्क के सम्मेलन में गृह मंत्री के आज के स्पीच के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा राजनाथ सिंह की खरी खरी की वजह से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पाकिस्तान अब सार्क के तमाम देशों के बीच में अलग थलग पड़ता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत तीन मुल्कों के होम मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर आईना दिखाया है। हमारा आज का सवाल था कि आतंक मिटाने में पाकिस्तान मददगार, क्या झूठे नवाज का ये बयान दुनिया को बड़ा धोखा है? हमारे साथ हजारों की संख्या में जवाब आए हैं। 97% लोग बोलते हैं हाँ, ये बहुत बड़ा धोखा दिया है नवाज शरीफ ने इस तरीके का बयान देकर। और यही पोल हमने ट्विटर पर किया, उसके नतीजे भी मेरे सामने हैं, आप देखिए। क्या दुनिया की आंखों में धोखा बोला है नवाज शरीफ ने? 96% लोग हाँ कहते हैं कि दुनिया का बड़ा धोखा दिया है इस बयान के साथ कि आतंक मिटाने में पाकिस्तान मददगार है। कोई भी नवाज शरीफ की बातों का भरोसा नहीं कर सकता जब तक कि तमाम आतंकवादियों को वो अपने यहां पाले हुए हैं, पनाह दिए हुए हैं। हम तो पूछेंगे में आज इतना ही।